नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर समर्थकों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान हेमंत सोरेन ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और समर्थकों को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जेल से रिहाई के बाद आक्रामक तेवर अख्तियार किया है। बूंदाबांदी के बीच शनिवार को अपने आवास पर उमड़े समर्थकों को उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे, भाजपा की तैयारी निर्धारित समय से पहले चुनाव कराने की है। ललकारते हुए हेमंत सोरेन बोले, चुनौती देता हूं कि कल ये चुनाव की घोषणा कर दे, इनका सफाया साफ हो जाएगा, इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है, केंद्र सरकार पर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि 5 महीने में फर्जी आरोप में जेल में रहा, साजिश थी कि हम उनके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाए, उसकी जुगत ये लगाए हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, न्यायालय से मुझे न्याय मिला, न्यायालय के न्याय में जो बातें आदेश में लिखी गई है उसे पूरे देश और राज्य के लोग पढ़ रहे हैं। 5 महीने में शायद ये राज्य और आगे बढ़ सकता था, हमने जो गति देने का काम किया था उस गति को हम और रफ्तार दे सकते थे। इनको डर था कि हम और ज्यादा समय रह गए तो भाजपा आने वाले समय में दिया लगाकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हम इस बात को हमेशा मानकर चलते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सच्चाई को आप किसी सीमेंट जंजीर से दफन नहीं कर सकते, वह उभर कर आता ही है। आज उसी का परिणाम है कि मैं आपके बीच आपका नेतृत्व करने के लिए हूँ। अभी लोकसभा चुनाव जीते हैं, परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। इस चुनाव के माध्यम से गरीब, युवा, आदिवासी, मूलवासी को ताकत मिली। षड्यंत्र का देंगे मुंह तोड़ जवाब। हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल में दलित, पिछड़ा, गरीब, युवा बंद है, उनकी तकलीफ बयान नहीं कर सकता। सुनियोजित तरीके से खनिज संपदा से संपन्न राज्य को पीछे धकेला गया। पूरे देश की अर्थव्यवस्था हमसे चलती है, रेवेन्यू के बदले में हमें भीख मिलता है। बहुत जल्द राज्य और देश में बदलाव देखने को मिलेगा। सड़क से सदन तक ऐसे षड्यंत्रकारी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनको पता चलेगा कि गरीब गुरबा से लड़ने का परिणाम क्या होता है। थोड़ी देर के लिए बादल मरा सकता है, लेकिन हमेशा चांद सूरज को ढक नहीं सकता। किसी भी समय में षड्यंत्र के मुताबिक चुनाव की घोषणा करेंगे। सिरिंज से खून चूस रहे आपस में लड़ाते हैं लोगों को। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा का काम आपस में लोगों को लड़ाना है। ये लोग लगातार षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। ये भाई भाई को लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, आदिवासी ईसाई के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर लड़ाते हैं। इसी में इनको डिग्री मिला हुआ है। 2024 में जनता ने इन्हें ऐसी लाठी मारा है कि दर्द दिखा नहीं, लेकिन ये बिलबिला रहे हैं। पाप का घड़ा भर रहा है, नीट का पेपर लीक, ट्रेन दुर्घटना, एयरपोर्ट ढहने की बात हो, ये ऐसे लोग हैं जो सिरिंज से यहाँ के लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। कोरोना में फर्जी दवा पूरे देश में सप्लाई की, ये अपनी करतूत से बाज नहीं आते। इन्होंने संवैधानिक संस्थानों को मुट्ठी में कर लिया है। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, आप इस दिए को बुझने नहीं दें। हम अपने पूर्वजों का संकल्प पूरा करेंगे। हम लोगों को भटकाने का प्रयास होगा। मनुवादी और सामंतवादी सोच को खत्म करने का वक्त आ गया है।